क्वार्टर पर हुए हमले के बाद करनाल में पकड़े गए आतंकवादी नमस्कार, आप देख रहे हैं दाचर्चा 24। मैं हूं आपके साथ कुलदीप के और आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आई है, पानीपत बस स्टैंड पर जो है विस्फोटक जो बम निरोधक जो टीम है दस्ता टीम है वो पहुंची है और जाँच कर रही है। हरियाणा DGP के आदेश अनुसार जिस प्रकार से जो है हर जो है जहाँ पब्लिक प्लेस है वहाँ पर जांच के आदेश दिए गए हैं। पानीपत से लगते शहर करनाल के अंदर आज से कुछ दिन पहले 4 आतंकवादी जो पकड़े गए थे, उसके बाद जो मोहाली के अंदर कहा एक विस्फोटक हमला होता है, उसके बाद तुरंत प्रभाव से हरियाणा के अंदर तमाम जो है जगहों पर जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि उन जगहों पर जाँच की जाए जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी होती है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि है। आज जो है जो टीम है वो पानीपत बस स्टैंड पर पहुंची और यहाँ पर जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो हर उस साथी तक पहुंच जाए। अभी कोर्ट में गए हैं, बस स्टैंड पे आए हैं ठीक, और भी कोई मैं तब नहीं हूँ। तमाम उसे भी जानने का प्रयास करेंगे, वो दूसरी तरफ चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों से गुजारिश की देख पा रहे हैं आसपास के लोग। अब देख सकते हो बसों के अंदर लोगों का सामान जो है, जो लोग इधर उधर बैठे हैं उनके सामान को चेकिंग की जा रही है। तुरंत प्रभाव से जो है हर सामान को चेक किया जाता है ताकि कोई कुछ भी किसी तरह का भी कोई भी विस्फोटक सामान यहां पर न दिखाई दे और न मिले। कॉपीराइट पे देख पा रहे हैं कि डॉग स्क्वाड टीम जो है ये अभी जो बस से पटियाला से पंजाब से होते हुए और दिल्ली जा रही थी और यहाँ पर सवारियां उतारी और सवारियां दिखाई तो उस बस की के अंदर भी चेकिंग जो है वो की जा रही है। प्रशासन देख सकते हो अब बस के अंदर भी जो है टीम द्वारा चेक किया जा रहा है ताकि हर यात्री को, हर लोगों को सुरक्षा मिल सके, हर साथी को सुरक्षा मिल सके। जो है सुरक्षा एजेंसी पानीपत के बस स्टैंड की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को और शेयर करो ताकि जो है जितने भी पब्लिक प्लेस है वहां पर भी इस प्रकार से जो है जांच हो जाए, उनकी जो है लोगों को सुरक्षा मिल सके। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर हर जो पब्लिक प्लेस है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर कोर्ट की बात करें, जहां भी पब्लिक का ज़्यादा आना जाना है वहां टीम द्वारा पूर्ण रूप से चेकिंग की जा रही है, लोगों के सामान की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी प्रकार का कोई भी स्फोटक स
सामान सामग्री ऐसे पब्लिक प्लेस पर ना आ सके, तो लोगों को सुरक्षा मिल सके। पिछले कुछ दिन पहले करनाल के अंदर जिस प्रकार से 4 आतंकवादी पकड़े गए थे, उसी स्थिति को और उन चीज़ों को देखते हुए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए टीम द्वारा प्रभाव से कुत्ते के नीचे तो फोटो ले रहा डिफरेंट हो जाएगा ना, यूं कुत्ता नीचा रूप में मौके पर पानीपत पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो सके और लोगों की अच्छे से चेक की जा सके और हमारे अपना मिनी सेक्रेटरिएट में बस स्टैंड पे जो है डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सर्चिंग अभियान चला रखा है। वो अभी पूरे शहर में जो मेन मेन पब्लिक के प्लेसेस हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे करेंगे, पूरा दिन चलेगा। सर ये रूटीन चेकिंग है या किसी तरह की कोई सूचना मिली थी बम वगैरह की, जो बम स्क्वाड है? बम की कोई सूचना नहीं है, रूटीन का जो चेकिंग होती है वो कर रहे हैं हम। लगातार एक्टिविटी देखने को मिल रही है प्रदेश भर में भी और पूरे देश से भी, आतंकी जैसे 4 करनाल में भी पकड़े गए थे, तो क्या उस तरह की तैयारियों को लेकर पहले से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? पब्लिक की सुरक्षा के लिए और आदेश है कि भी हाई अलर्ट पे रखा गया तमाम जिले की पुलिस को। पुलिस तो हाई अलर्ट पे है ही। तो ये आज और कहाँ कहाँ पे होगी? पूरे शहर में करेंगे हम, जहाँ जहाँ पब्लिक की ज्यादा विजिट है हर प्लेस पे करेंगे। ठीक,
तो SHO सुनील हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जो कि पब्लिक प्लेस है, जितने भी पब्लिक प्लेस पानीपत के अंदर जाने जाते हैं, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, नगर निगम या कोर्ट, सभी जगह पर जो है इस प्रकार से जो है चेकिंग की जाएगी, ताकि जो है सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम किए जा सके। जिस प्रकार से 3 से 4 दिन पहले 5 दिन पहले पानीपत के लगते शहर जो करनाल के अंदर जो CM सिटी करनाल बोल जाता है, वहाँ से 4 आतंकवादियों को जो है पकड़ा गया था, उसी को सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार से जो पब्लिक प्लेस है जहाँ सभी जगहों पर जांच की जा रही है, ताकि किसी तरह की कोई भी जो है असुविधा या फिर किसी तरह का कोई भी परेशानी की बात करें हम, कुछ भी गलत ना हो सके देश के अंदर, शहर के अंदर या फिर हरियाणा के अंदर। तो ऐसे ही हम आपको हर तरह की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद।